मेरा छोटा भाई है ना इसी एज ग्रुप का है, मेरे को उसकी बातें ही नहीं समझ में आती हैं, मैं उसके साथ ही आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ। मेरा भाई ना परेशान था ऐसा, डिप्रेस सा बैठा था, तो मैंने जाके उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना क्रिसमस टाइम पे गोवा चलते हैं, लास्ट ईयर की बात है कि हम लोग क्रिसमस टाइम पे गोवा चलते हैं, गोवा जाएंगे, बीच पे बैठेंगे, बियर पियेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो अकेले चला गया। और आके बता रहा, हाँ भैया मजा तो आता है, ये गांजा फूक के कुछ भी बोल देते हैं यार ये लोग। मेरा छोटा भाई ना एक दिन गांजा फूक रहा था, एक्चुअली मैं वो स्मोकिंग वीड, तो मैंने एकदम पकड़ लिया, मैंने बोला साले तू ड्रग्स करता है, कह रहा भैया वीड ड्रग्स नहीं होती, इनफैक्ट आजकल डॉक्टर्स भी वीड रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मेरे को ज्यादा पता नहीं, और डॉक्टर्स ने पैरासिटामोल देना बंद कर दिया क्या अचानक से, और साला कौन सा डॉक्टर है जो प्रिस्क्रिप्शन में गांजा फ्यूम लिख के दे रहा है, लोग इसके पास इलाज कराना जरा ब्लड प्रेशर चेक कर दिया, अरे तुम फूको यार, बहुत बहुत प्रेशर लेते, फूको फूको आराम से ठीक से थोड़ा, पर वो ब्लड प्रेशर वो तो नर्स चेक करेगी, मैं सिर्फ जॉइंट बनाता हूं। कैसा डॉक्टर है, सीरियस के साथ है मैक्लॉडगंज भेज देता है कि जाओ वहां ओरिजिनल मिलता है जल्दी ठीक हो जाओगे, और लौटते समय क्रशर ले आना मेरा टूट गया है, तिलस्मी डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन अपना रोलिंग पेपर पे लिखता है। आप अरे तुमको पीना भी जबरदस्ती क्यों फंसा रहे हो, इनको ना सुटेरियों को अपना कम्युनिटी बढ़ाना होता है, इनका रिलीजन है ये, फैला दो इसको। मेरे को ऐसे ही स्टार्ट कराया था, मैं 11th 12th में रहूंगा, तब मेरे दोस्त आए थे मेरे पास, कहते हैं प्रत्युष तू एक काम कर, तू ना सिगरेट पीना स्टार्ट कर दे, क्योंकि सिगरेट पीने से ना स्ट्रेस रिलीव होता है। मैं पीने लगा दबा के एकदम, टुडे आई लुक बैक एंड थिंक यार तब तो मुझे खास कोई ऐसा स्ट्रेस था भी नहीं। उल्टा अब है कैंसर के डर का, अब छोड़ना चाह रहा हूँ साला, छूट नहीं रही है इतना, तो लोग आके ज्ञान दे चले जाते हैं, इसे चूतिया समझ थोड़ी आता हो, कह रहे ऐसे तू सिगरेट छोड़ना चाहता, हाँ तू ऐसा सोचना कि तू एक दिन में 10-10, 15-15 रुपए के एक सिगरेट पी जाता है, इससे अच्छा जूस पी लिया कर। नासा में तो नहीं थे आप कहीं, काफी मेधावी आइडिया, पैसों के लिए थोड़ी पी रहा हूं यार, पैशन बन चुका है मेरा। तो छूट रही नहीं थी ना, फिर मेरी वाइफ लेके आई रामबाण इलाज, वो बोली मैं तो छुड़वा दूंगी, क्योंकि उसको लगता है मैं उसके कंट्रोल में हूं। उसको क्या पता मैं घर के बाहर कितना मचाऊ हूं। नहीं मैं नहीं हूं, मैं ऐसे बोल के खुश होता हूं, बस मैं चुभतिया ही हूं। होते बहुत लोग पता नहीं, तो मेरे को पता है अपना। सर्कल सही रखा ना, बताया तू चुतिया है भाई, भूलना मत अपना औकात, मत भूलना भाई, तू कतई चुतिया आदमी है भाई। मैं भूलता नहीं हूं। तो मेरी वाइफ लेके आई रामबाण इलाज, बोली मैं तो छुड़वा दूंगी इसका, तो वो क्या बोली, उसने आके सीधे कसम दे दिया। मैं कसम मतलब, तो कह रही कसम मतलब तुम सिगरेट पियोगे तो मैं मर जाऊंगी। दिस इज नॉट हाउ कैंसर वर्क्स। मैं पीऊंगा मुझे होगा, मैं ही मरूंगा। कैंसर और एड्स में डिफरेंस होता है यार। वो लड़की जो है ना मेरी बीवी समझती नहीं है यार, वो थोड़ा अंधी है मेरे प्यार में। दीवानी है यार एकदम। टैटू कराया उसने मेरे नाम का, चौबे लिखवाया इधर। उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है।